पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सत्ताधारी पार्टी ने चुनाव से 6 महीने पहले ही हार स्वीकार कर ली है। वहीं मुख्यमंत्री सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता जनता के मुद्दों से पूरी तरह कट चुके हैं और कांग्रेस की जनहितैषी घोषणाओं से अपना संतुलन खो बैठे हैं। कमलनाथ ने ट्वीट पर लिखा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब सत्ताधारी पार्टी ने चुनाव के 6 महीने पहले ही हार स्वीकार कर ली हो। मुख्यमंत्री सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता जनता के मुद्दों से पूरी तरह कट चुके हैं और कांग्रेस की जनहितैषी घोषणाओं से अपना संतुलन खो बैठे हैं। वे सब मिलकर सुबह शाम मुझे कोसने में लगे हैं, लेकिन मध्यप्रदेश की सम्मानित जनता देख रही है कि भाजपा के नेता मुझे नहीं, मध्यप्रदेश के नव निर्माण के लिए की गई कमलनाथ की घोषणाओं को कोस रहे हैं। कमलनाथ ने कहा, भाजपा के लोग महिलाओं के सम्मान में मिलने वाले 1500 को कोस रहे हैं, मध्यप्रदेश में मिलने वाले 500 के गैस सिलेंडर को कोस रहे हैं, मध्यप्रदेश की जनता को मिलने वाले 100 यूनिट मुफ्त बिजली को कोस रहे हैं, मध्यप्रदेश की जनता को मिलने वाली 200 यूनिट बिजली के बिल को कोस रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन को कोस रहे हैं, किसानों के माफ होने वाले कर्ज को कोस रहे हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।